Hello friends, this is Ankur Kumar and your very warm welcome to Chicky's Biology, another video. In this video today we will discuss about marketing pharma jobs versus industry pharma jobs. आज हम लोग अपने इस टॉपिक पे बात करेंगे और आप लोग मेरे साथ में इस वीडियो में स्टार्टिंग से लेके एंड तक कनेक्ट जरूर रहें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों के साथ में बात करूंगा कि जो मार्केटिंग फार्मा जॉब्स होती हैं वो अच्छी होती हैं या नहीं होती है। इसके बाद मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा जो इंडस्ट्री फार्मा जॉब्स होती हैं वो अच्छी होती हैं या अच्छी नहीं होती हैं। तो एक एक करके हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं और बहुत सारे पॉइंट्स को यहाँ पे हम लोग जो है कंसिडर करके इन दोनों जॉब्स में यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे और आप लोगों को इस वीडियो के एंड तक ये पता चल जाएगा कि आप लोगों के लिए कौन सी जॉब अच्छी है या कौन सी जॉब आप लोगों के लाइफ स्टाइल को सूट करती है या कौन सी जॉब को आप लोगों को करना चाहिए। तो ये जो क्वेश्चन है ये बहुत सारे स्टूडेंट्स का मुझे आ रहा था, बहुत सारे फॉलोवर्स का आ रहा था कि सर हम लोग कौन सी जॉब में स्विच करें या कौन सी जॉब को हम लोग करें या कौन सी जॉब हम लोगों के लिए बेस्ट होगी। तो उन्हीं सभी कैंडिडेट्स को, उन्हीं सभी सब्सक्राइबर्स को, उन्हीं सभी फॉलोवर्स को उनके इस क्वेश्चन का एक अप्रोप्रिएट आंसर इस वीडियो के एंड तक मिल जाएगा। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करते हैं मार्केटिंग फार्मा जॉब्स की। तो जो मार्केटिंग फार्मा जॉब्स होती हैं उस पे बात करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ जो सैलरी वाला जो पॉइंट है ये दोनों ही जॉब्स के लिए मस्ट है और दोनों ही जॉब्स के बारे में अगर आप लोगों को जानना है कि कौन सी जॉब अच्छी है कौन सी जॉब अच्छी नहीं है तो सैलरी पे फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे बात करेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि कौन सी जॉब बेस्ट है। तो अगर आप लोग एक फ्रेशर कैंडिडेट हैं और आप लोग जो है फार्मा मार्केटिंग जॉब्स में जाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को सैलरी ज्यादा मिलेगी अगर हम लोग उसका कंपैरिजन करें इंडस्ट्री फार्मा जॉब्स के साथ में, क्योंकि मार्केटिंग में जो है स्टार्टिंग में जो इनिशियल सैलरी होती है वो ज्यादा होती है। और अगर आप लोग जो है किसी एमएनसी कंपनी में मार्केटिंग की जॉब कर रहे हैं, आप लोग जो है एज अ एमआर वहां पे जॉब स्टार्ट कर रहे हैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, तो आप लोगों को एमएनसी कंपनी जो है विद टीएडीए आप लोगों को जो सैलरी प्रोवाइड कराती है वो 20,000 से लेकर 22,000 के बीच में कराती है। और जो रेगुलेटरी और डोमेस्टिक जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं या जो इंडस्ट्री होती है जो कंपनी होती है फार्मा वो आप लोगों को 16,000 to 17,000 के बीच में जो है सैलरी प्रोवाइड कराती है विद इंक्लूडिंग TA&D। तो ये बात हो गई सैलरी की। तो सैलरी तो अच्छी मिलती है अगर हम लोग इस सैलरी का कंपैरिजन करें एक इंडस्ट्री फार्मा जॉब के साथ तो मार्केटिंग में ज्यादा सैलरी मिलती है। उसके बाद जो है वर्किंग कल्चर के बारे में बात करूंगा मैं मार्केटिंग फार्मा जॉब्स के। तो वर्किंग कल्चर जो है ये आप लोगों की एक ऑफिस जॉब नहीं होती, आप लोगों को फील्ड में जाके काम करना होता है, डॉक्टर्स के साथ में आप लोगों को इंटरेक्शन वहां पे बनाना होता है और जितने भी फार्मा कंपनी के प्रोडक्ट्स होते हैं उन सभी प्रोडक्ट्स को आप लोगों को डॉक्टर को जाके बताना होता है और डॉक्टर को ये जो है वहां पे एक तरह से रिप्रेजेंट करना होता है कि ये वाला प्रोडक्ट हमारी कंपनी का अच्छा है। तो आप लोगों को फील्ड में जाके काम करना होता है और आप लोग जो है ये एक्सक्यूज नहीं दे सकते एक मार्केटिंग जॉब में कि मौसम सही नहीं है या आज गर्मी ज्यादा है या आज बारिश हो रही है या फिर कुछ भी जो है आप लोग वहां पे एक्सक्यूज नहीं दे सकते अगर आप लोग एक मार्केटिंग फार्मा जॉब कर रहे हैं, क्योंकि ये एक फील्ड वर्क है, आप लोगों को फील्ड में जाके काम करना पड़ेगा और डॉक्टर्स के साथ में आप लोगों को इंटरेक्शन बनाना होगा और आप लोग जो है किसी भी बात का बुरा नहीं मान सकते डॉक्टर की, और डॉक्टर आपको कुछ भी बोल सकता है। कुछ डॉक्टर्स ऐसे होते हैं उनका बिहेवियर सही नहीं होता, बट अगर आप लोग जो है वहां पे इस पॉइंट को लेके उनके ऊपर गुस्सा कर देते हैं या आप लोग जो है वहां पे उनको कुछ गलत सलत बोल देते हैं तो इससे क्या होगा कि आप लोगों का जो वहां पे काम है वो रुक जाएगा और जो आप लोगों का टारगेट कंपनी से मिला है सेलिंग का आप लोगों को मेडिसिन की, उस टारगेट को आप लोग अचीव नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप लोगों के अंदर संयम है, आप लोगों के अंदर पेशेंस है या आप लोग बहुत कुछ सुन के भी चुप रह के अपना काम कर सकते हैं तो आप लोग फार्मा मार्केटिंग जॉब्स में जाएं, वरना आप लोग जो है यहाँ पे बिल्कुल मत जाएं। फिर आप लोग जो है इंडस्ट्री फार्मा जॉब करें अगर आप लोगों के अंदर पेशेंस नहीं है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए।
उसके बाद जो है यहाँ पे कोई शिफ्ट नहीं होती, आप लोग जो है अपने हिसाब से अपनी टाइमिंग के हिसाब से आप अपना काम कर सकते हैं। आप लोगों को ये भी जरूरी नहीं है कि मॉर्निंग में जल्दी उठना है, जल्दी जाना है, और टाइमिंग्स की कोई यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है, और ये सबसे बड़ा एडवांटेज इस जॉब का रहता है। उसके बाद जो है आप लोग जो है अगर आप लोग अच्छा काम करते हैं, आप लोग जो है जो एक टारगेट आप लोगों को मिलता है सेल का, अगर आप लोग उस सेल को मेडिसिन की सेल का जो टारगेट मिलता है कंपनी के थ्रू, अगर आप लोग उसको अचीव कर लेते हैं तो आप लोगों को फॉरेन ट्रिप्स मिलती हैं। और अगर कोई एमएनसी कंपनी है, बहुत सारी एमएनसी कंपनी के अपने खुद के हॉस्पिटल्स होते हैं, कुछ एमएनसी कंपनी खुद के अपने क्वार्टर देती हैं अपने एम्प्लॉय को, या फिर कुछ फार्मा जो कंपनीज होती हैं, जो एमएनसी कंपनी होती हैं, वो अपने एम्प्लॉय के जो बच्चे होते हैं, जो चिल्ड्रन होते हैं, उनको अपने ही स्कूल में एडमिशन दे देती हैं बहुत कम फीस पे। जैसे कि वो कार्ड एक फार्मा कंपनी है, तो वो कार्ड के हॉस्पिटल भी हैं, वो कार्ड के बहुत सारे स्कूल्स भी हैं, तो वो कार्ड ग्रुप के साथ जो कैंडिडेट काम कर रहा है मार्केटिंग में, तो उसको जो है उसके बच्चों को जो है वहाँ पे स्कूल में कम फीस पे रखा जाता है, या उनकी कम फीस होती है, या फिर जो है हॉस्पिटल्स में भी इलाज कम पैसों में हो जाता है अगर एक जो कैंडिडेट है वो उसी ग्रुप के साथ में काम कर रहा है और वो मार्केटिंग का काम उसका कर रहा है। और बहुत सारी फॉरेन ट्रिप्स भी मिलती रहती हैं, बहुत सारे प्राइजेस भी मिलते रहते हैं एक मार्केटिंग कैंडिडेट को, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। उसके बाद जो है जो प्रमोशन होता है, प्रमोशन जो होता है वो डिपेंड होता है सेलिंग का जो टारगेट होता है उसके ऊपर। तो अगर आप लोग कंपनी को अच्छी सेल करके दे रहे हो उसके प्रोडक्ट की मार्केटिंग में एज अ मार्केटिंग MR, तो आप लोगों का जो है प्रमोशन जल्दी ही हो जाएगा। और आप लोग जो है MR से जो है, MR जो होता है वो जनरली एक डिस्ट्रिक्ट पे होता है, उसके बाद जब उसका प्रमोशन होता है तो एरिया मैनेजर बन जाता है, और एरिया मैनेजर के बाद वो एक जोनल मैनेजर बन जाता है। तो MR जो होता है वो एक डिस्ट्रिक्ट पे रह के काम करता है, एरिया मैनेजर 5 डिस्ट्रिक्ट पे अप्रोक्सीमेटली काम करता है, और जो जोनल मैनेजर होता है वो एक स्टेट पे काम करता है। और जोनल मैनेजर जब आप लोग बनते हैं तो आप लोगों को पूरे स्टेट में घूमना होता है, तो इसमें आप लोग अपनी फैमिली को ज्यादा टाइम नहीं दे पाते, और आपकी जो डिस्टेंस होती है आपकी फैमिली से वो वहां पे ज्यादा हो जाती है। तो इस वजह से कई कैंडिडेट जो है जॉब को बहुत अच्छी पोस्ट पे जाके छोड़ भी देते हैं, जो एक मार्केटिंग फार्मा जॉब होती है उसको, तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए। अब प्रेशर जो है एक मार्केटिंग जॉब में ज्यादा रहता है अगर हम लोग एक फार्मा इंडस्ट्री जॉब के साथ उसका कंपैरिजन करें, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को जो सेल का एक टारगेट दिया जाता है वो बड़ा ही वहाँ पे एक तरह से पैनिक हो जाता है कई कैंडिडेट्स के लिए, या थोड़ा सा हैक्टिक वहाँ पे हो जाता है और प्रेशराइज आप लोग उसमें हो जाते हैं। तो ये कुछ यहाँ पे इम्पोर्टेंट और क्रूशियल पॉइंट्स थे जो मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस किए रिलेटेड टू फार्मा मार्केटिंग जॉब्स। अब हम लोग बात करते हैं इंडस्ट्री फार्मा जॉब्स की। तो इंडस्ट्री फार्मा जॉब्स जो होती हैं इसमें अगर आप लोग जाते हैं तो एज अ फ्रेशर कैंडिडेट आप लोगों को 15,000 to 18,000 पर मंथ मिलेगा एक MNC कंपनी में, इंक्लूडिंग या इंक्लूडेड TA and DA। और अगर आप लोग रेगुलेटरी और डोमेस्टिक प्लांट के साथ में काम करते हैं, और रेगुलेटरी और डोमेस्टिक फार्मा कंपनी के साथ में काम करते हैं, तो यहाँ पे इंक्लूडिंग TA and DA आप लोगों को 10,000 to 15,000 के बीच में सैलरी मिलेगा। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, और इन सभी पॉइंट्स को आप लोग समझने के बाद ये सोच सकते हैं कि आप लोगों को कौन सी जॉब में जाना है, कौन सी जॉब आप लोगों के लिए बेस्ट है। और जो फार्मा इंडस्ट्री जो जॉब्स होती हैं इसमें आप लोग जो है एक डिपार्टमेंट में रह के काम करते हैं, आप लोगों को फील्ड का काम नहीं करना होता है, फील्ड में जाके काम नहीं करना होता है। जैसे कि अगर आप लोग QC में है तो QC में रहेंगे, अगर आप लोग QA में है तो QA डिपार्टमेंट में रहेंगे, मीन्स कि आप लोग एक प्लांट में रह के काम करेंगे, जो फार्मा इंडस्ट्री का प्लांट होता है तो वहां पे आप लोगों को काम करना होता है। और यहाँ पे टाइमिंग्स होती हैं और कई सारी शिफ्ट्स भी होती हैं, कई सारी शिफ्ट में रह के आप लोग काम करते हैं,
और टाइमिंग रहती है, ऐसा नहीं है जैसे कि फार्मा मार्केटिंग जॉब होती है तो उसमें कोई टाइमिंग नहीं होती है, आप लोग अपने हिसाब से वहाँ पे अपनी टाइमिंग्स बना लेते हैं। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे अगर 9 to 5 आप लोगों को इंडस्ट्री में रहना है तो वो रहना है, और आप लोगों की यहाँ पे रोज अटेंडेंस भी होती है, आप लोग किस टाइम जा रहे हैं किस टाइम आ रहे हैं वो सभी का सभी रिकॉर्ड वहाँ पे रहता है, जबकि ऐसा फार्मा मार्केटिंग जॉब्स में नहीं होता है। और आप लोगों को एक जगह पे रह के काम करना होता है, आप लोगों को जो है फील्ड में नहीं जाना, आप लोगों को प्लांट में रहना होता है, और यहाँ पे बहुत सारी शिफ्ट्स होती हैं, और यहाँ पे जो है उतने गिफ्ट्स या आप लोगों को फॉरेन ट्रिप्स नहीं मिलती जितनी ही मार्केटिंग जॉब्स में मिलती हैं। और जो आप लोगों के बच्चे हैं या जो आप लोगों के जो क्वार्टर रूम है जैसे मैंने बताया था, या जो हॉस्पिटल्स होते हैं कंपनीज के, इसमें तो आप अपने बच्चों को भेज सकते हैं स्कूल्स में, और आपको क्वार्टर भी मिल जाएगा। और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है फैमिली में, तो अगर उस एक ग्रुप का, उस एक फार्मा ग्रुप का हॉस्पिटल है, तो उसमें आपका इलाज कम पैसों में होगा। ये तो दोनों में सिमिलरिटी है, वो भले ही फार्मा मार्केटिंग जॉब हो या वो भले ही जो है हमारी एक इंडस्ट्री बेस्ड जॉब हो। और उसके बाद जो है आप लोग जो है, जो आपका प्रमोशन होता है वो बेस्ड होता है आप लोगों की ओवरऑल परफॉर्मेंस पे, आप लोगों के एक्सपीरियंस पे। कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं उनको बहुत साल हो जाते हैं ऐसे ही क्यूसी में काम करते हुए, क्यूए में काम करते हुए या प्रोडक्शन में काम करते हुए, बट उनका प्रमोशन नहीं होता क्योंकि उनके स्किल्स जो है इम्प्रूव नहीं हो पाते, वो ऐसे ही जो है वहाँ पे काम करते रहते हैं, वो जो है वहाँ पे स्मार्ट वर्क नहीं करते, वो सिर्फ हार्ड वर्क वहाँ पे करते रहते हैं और अपनी इमेज को बेहतर नहीं कर पाते। इसके पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं उन कैंडिडेट्स के लिए, तो उस पर कभी फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और आप लोग जो है यहाँ पे क्या होता है, आप अपनी फैमिली को टाइम दे पाते हैं क्योंकि यहाँ पे टाइमिंग्स रहती हैं जैसे कि 9 to 5, अगर आप लोगों की जनरल शिफ्ट है तो 9 to 5 आप लोग वहाँ पे रहेंगे, उसके बाद आप अपनी फैमिली में आ जाएंगे, और आप लोगों को घर से दूर भी नहीं जाना पड़ेगा अगर आप लोगों का प्रमोशन भी होता है। जबकि अगर मार्केटिंग जॉब्स की बात करें तो वहाँ पे पहले आप MR बनते हैं, उसके बाद जैसे कि मैंने बताया था आप लोग जो है वहाँ पे एरिया मैनेजर बनते हैं, फिर जोनल मैनेजर बनते हैं, तो आपको बाहर जाना पड़ेगा फैमिली को छोड़ के जब आप लोग स्टेट लेवल पे काम करेंगे। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, आप अपनी फैमिली को अच्छे से टाइम दे पाएंगे अगर आप लोग एक फार्मा इंडस्ट्री जॉब कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को और बता देता हूँ थोड़े पॉइंट्स यहाँ पे, तो प्रेशर यहाँ पे कम रहता है अगर हम लोग उसका कंपैरिजन मार्केटिंग जॉब्स के साथ में करें, फार्मा मार्केटिंग जॉब्स के साथ में करें। और अगर आप लोगों से यहाँ पे गलती हो जाती है, कोई मिस्टेक हो जाती है फार्मा इंडस्ट्री जॉब में, तो उसके सुधारने के चांसेस बहुत कम होते हैं अगर हम लोग उसका कंपैरिजन मार्केटिंग जॉब्स के साथ में करें। मार्केटिंग जॉब्स में अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो उसको आप लोग इजीली सुधार सकते हैं, जबकि यहाँ पे फार्मा इंडस्ट्री जॉब्स में उतना आप लोगों को सुधारने के चांसेस नहीं मिलते। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट और क्रूशियल पॉइंट्स थे, आप लोगों को अब इसमें इन सभी पॉइंट्स को अच्छे से अपने माइंड में रिमेम्बर रखते हुए एक डिसीजन लेना है कि आप लोगों की लाइफ को कौन सी जॉब सूट करती है, या कौन सी जॉब में आप लोग जाके अपनी लाइफ को अच्छे से वहां पे जी सकते हैं या आप लोग सरवाइव कर सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर अपकमिंग वीडियोज एंड लेटेस्ट अपडेट्स। और इस वीडियो से रिलेटेड अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी, आप लोगों के माइंड में कोई डाउट है, भले वो बड़ा डाउट है भले वो छोटा डाउट है, आप लोग उसको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, और आप लोग जो है मेरे साथ में जुड़ सकते हैं चिकीज बायोलॉजी के ऑफिशियल फेसबुक पेज के साथ, चिकीज बायोलॉजी के इंस्टाग्राम अकाउंट के साथ। इन सभी अकाउंट्स की जो लिंक्स है मैं आप लोगों को अपनी सभी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा देता हूं। और फ्रेंड्स, आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स जो हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं, उनको वीडियो बड़ी अच्छी लगती हैं जब मैं उनके साथ में डिस्कस करता हूं और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके लेके आता हूं, बट वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो उनसे मेरी ये हार्डली एक रिक्वेस्ट है कि वो लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि चैनल को वो लोग सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा, और जब मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा तो और वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन मैं उन लोगों के लिए